खबरों के इस हिस्से में आपको दस्तक देनी है एक नई मुहिम की शुरुआत के लिए। आपको दस्तक देनी है ताकि देश अपने जाबाज युवा वायुवीरों को और न गवाए। आपको दस्तक देनी है MiG-21 विमानों के खिलाफ। 2006 में एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, रंग दे बसंती। उसमें MiG-21 विमानों का मुद्दा ही उठाया गया था, ये सवाल उठाया गया था कि इसे हटाने की आवश्यकता है। समय समय पर इसका विरोध होता रहा, इसे लेकर चर्चा होती रही। यह भी कहा गया कि इसे धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा, लेकिन 16 साल बीत चुके हैं, आज भी MiG-21 ट्रेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तब जबकि रूस भी 37 साल पहले इन विमानों को रिटायर कर चुका है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? और अपने बेटों को गंवाने वाले परिवार पूछ रहे हैं कि वो कौन सी मजबूरी है कि 58 साल बाद भी हम इन विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विंग कमांडर मोहित राणा, उम्र 36 साल, राजस्थान में हुए MiG-21 हादसे में नहीं रहे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल, उम्र 26 साल, राजस्थान में हुए MiG-21 हादसे में दम तोड़ा। देश के लिए गुरुवार का दिन बहुत मनहूस खबर लेकर आया। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना ने अपने दो होनहार और नौजवान पायलटों को खो दिया। दोनों पायलट किसी मिशन में शहीद नहीं हुए, बल्कि देश के ही लड़ाकू विमान MiG-21 का शिकार हुए। रात करीब 9 बजे ट्रेनिंग के दौरान MiG-21 क्रैश हुआ और उसके उड़ते ताबूत वाली छवि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। इस हादसे में मारे गए 26 साल के अद्वितीय बल एक हफ्ते पहले ही स्क्वाड्रन ज्वाइन कर देश सेवा का अपना सपना पूरा किया था, लेकिन उनकी मौत से परिवार बिखर गया। अद्वितीय बल का परिवार आज जानना चाहता है कि जिस देश में एक कार की उम्र 15 साल तय कर दी गई हो, वहां सेना 58 साल पुराने लड़ाकू विमान से अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने को क्यों मजबूर है। 15 साल के बाद आप गाड़ी की वैलिडिटी बंद कर देते हो, वो तो 1963 की मशीन है, उसको क्यों नहीं बंद किया? इन लोगों के बेटे मर जाएं, उनके माँ बाप के बेटे मर जाएं, बच्चों के बाप, उनको इस चीज का फील नहीं है, अंदाजा नहीं है सर। आके देखें, फील करें, इस माँ ने उस बच्चे को पेट में 9 महीने रखा, उसको बड़ा किया, आज उसके सामने जब उसकी डेड बॉडी आएगी तो क्या? आज जम्मू का ये परिवार सरकार से पूछना चाहता है कि जो लड़ाकू विमान 400 से ज्यादा हादसों की वजह बन चुका हो, उसे रिटायर करने में देरी की वजह क्या? ये MiG-21 अब सर बंद कीजिए, इन गरीब बच्चों की और जान मत लीजिए सर, मेरी यही आगे उनके आगे अपील है सर, बंद कीजिए सर प्लीज। इन तस्वीरों को देखकर दो पल के लिए सोची, दिमाग पर जोर डाली कि आपके घर में 58 साल पुरानी कोई चीज है, ऐसा कोई सामान जिसे आप आज भी इस्तेमाल करते हो? जवाब ना में होगा, क्योंकि साल 1964 में जब भारतीय सेना में MiG-21 को शामिल किया गया था, तब भारत में इस तरह की कार चलती थी जो मोहल्ला छोड़ी शहर के इक्का दुक्का परिवारों के पास होती थी, लेकिन अब तस्वीर और तकनीक पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप बात टीवी की करें तो साल 1964 भारत में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, लेकिन आज स्मार्ट टीवी का दौर है। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, हमारे नौजवान साल 1964 सेना में शामिल किए गए MiG-21 से ट्रेनिंग लेने को मजबूर है, जो अक्सर आसमान से गिर जाते हैं। ओ मैं नहीं जीना,
बच्चा चलिया, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चलिया या मिगी छड़िए, ये गल नहीं हो सकती। दुश्मन पर भारी पड़ने वाला मिग-21 परसों से अपनों पर ही भारी पड़ रहा है। बस हादसों की जगह और टूटने वाले दिल बदल जाते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है। प्लीज सर, मिग-21 जो संसद में इसका चल रहा है सर, इसको बंद कीजिए प्लीज सर। किसी और किसी गरीब बच्चे की जान मत लो सर, किसी और गरीब बच्चे की जान मत लो सर। बड़ी मुश्किल से सर हम बच्चे को कैसे, हम पालते हैं बच्चे को सर, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और 2 मिनट में लग जाते हैं जहाज क्रैश होने में सर। 2 मिनट में परिवारों के चिराग बुझाने की वजह से मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत कहा जाता है। साल 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने अपने आधिकारिक बयान में बताया था कि वायुसेना में शामिल होने के बाद से लेकर साल 2012 तक 482 मिग-21 विमान हादसे के शिकार हो चुके थे। इन हादसों में 171 पायलट, 39 आम नागरिक और 8 अन्य की मौत हुई, लेकिन हादसों का सिलसिला थमा नहीं और 2013 में 2, 2014 में 3, 2015 में 2, 2016 में 3, 2018 में 2, 2019 में 3 और 2021 में 5 मिग-21 क्रैश हुए। 2022 तक आते आते पायलटों की मौत का आंकड़ा 200 से ज्यादा हो गया। इन आंकड़ों को देखकर हर भारतीय यही सवाल पूछना चाहता है कि मिग-21 इतना ज्यादा क्रैश क्यों होता है? 200 से ज्यादा पायलट गंवाने के बावजूद मिग-21 से ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? क्योंकि आज अगर ये सवाल न होते तो एक हाई ट्यूनर होता। मैं अलग भी सोया होता था तो सुबह उठ के आ जाता था, मेरे पास आधा घंटा एक घंटा पक्का मेरे साथ होता था। मैं लेट उठता था 10 बजे 11 बजे, क्योंकि रात को मैं 12-1-2 बजे में बच जाते थे, मेरे को एग्जाम थे मेरे तब। लेकिन तब भी वो आता मेरे पास सुबह, अगर मैं ब्लैंकेट में होगा तो ब्लैंकेट के ऊपर आ जाएगा, उठाएगा मेरे को, भैया उठो ना, क्या करते हो सोए रहते हो, उठते नहीं आप, कैजुअल्टी हो रही है क्या, उनको नहीं देखते कि किनके माँ के बेटे मर रहे हैं, कितनी कैजुअल्टी होंगी सर। ये 27 ईयर्स का था, 26 का, अभी 27 चल रहा था, अभी तो उसको पूरी दाढ़ी भी नहीं आई थी सर। बाड़मेर में मिग-21 विमान का ये फैला मलबा तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में फैला है, जहां सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता भी ली जा रही है। लेकिन आपको दोनों पायलट के साहस पर गर्व होगा, जिन्होंने अपने विमान में आग लगते ही उसे रिहायशी इलाके से सुनसान इलाके की तरफ मोड़ दिया, वरना 2500 लोगों की आबादी वाला ये गाँव उसकी चपेट में आ जाता और बड़ी संख्या में लोग मरते। लेकिन मरते मरते भी देश के ये वीर सैनिक अपना फर्ज निभाकर चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि मोहित राणा और अद्वितीय बल जैसे वीर जवानों के लिए किसी सुरक्षित लड़ाकू विमान से ट्रेनिंग का विकल्प देश में क्यों मौजूद नहीं है? आज तक ब्यूरो।